नताशा को कुछ बताना या जताना नहीं चाहता, बल्कि उसे ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। मैं उसके बगैर बहुत सुकून से। अब मुझे तुम्हारी और मोमिना की कुछ पिक्चर्स चाहिए होंगी। तुम्हारे पास है पिक्चर? पिक्चर्स चाहिए? मगर क्यों? अगर तुम मोमी पे कोई गलत इल्जाम लगाना चाह रही हो तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या हुआ भाईजान को? दिनेश को तलाक के कागजात देने गया था। सुबह से वकील का ऑफिस का कह के निकला हुआ, कह रहा था कि वकील के ऑफिस बुलवाऊंगा, दिनेश को तलाक के पेपर्स दे दूंगा मैं। उसने जैसे ही फायर किए, उसकी माँ गाड़ी में छुपी थी, वो भी बाहर निकल आई। उसी वक्त पुलिस मोबाइल आ गई और हम सबको थाने ले गई। मुझसे मोबाइल भी ले लिए और इसलिए मैं कॉल भी नहीं कर सका। ये कहाँ मर गया वॉचमैन? इतनी देर से बेल बज रही है, क्यों नहीं देख रहा? जा जाके देखो। मैं देखता हूँ। साहब वो छोटे साहब के कोई दोस्त हैं, कह रहे हैं उनसे जरूरी काम है। छोटे साहब के दोस्त? लेकिन अरसलान का पाकिस्तान में तो कोई दोस्त नहीं। भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका नाम? अंकल मैं खुरम, अरसलान का कॉलेज फ्रेंड। अच्छा अच्छा खुरम। बेटा अरसलान की तबीयत ठीक नहीं, वो तो सो रहा है। जी अंकल मैं जानता हूँ, इनफैक्ट मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने बताया था मुझे कि उसने सारा से शादी कर ली। हाँ अभी लास्ट वीक ही हुई है उसकी शादी। लेकिन अरसलान ने ये अच्छा नहीं किया अंकल। क्या? एक शादीशुदा लड़की से शादी करके। शादीशुदा लड़की? क्या बकवास है, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं ठीक कह रहा हूँ, सारा मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ। सब बकवास है, फजूल बकवास है ये। मैं बकवास नहीं कर रहा अंकल, यही हकीकत है। मेरी सारा से बाकायदा शादी हुई थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। देखो सारा मेरी बहू और अरसलान की बीवी है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उससे शादी हुई या मंगनी। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस बात से जरूर आपको फर्क पड़ेगा कि एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं होता। ये क्या बकवास किया जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। सारा के घर वाले मौजूद लोग हैं, उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया था सारा के बारे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अंकल, वो तो वही बताएंगे जो उन्हें मालूम होगा। सारा ने ये शादी अपने घर वालों से भी छुपाई थी। क्या? अब फैसला आपको करना है अंकल, आप मेरी बीवी को मेरे हवाले करेंगे या अपने बेटे को मजबूर करेंगे कि वो गुनाह की जिंदगी गुजारे। मैं कल फिर आऊं, सोच लीजिएगा। अरसलान, अरसलान क्या हुआ डैडी, सब खैरियत तो है? मुझे बता खुर्रम कौन है। खुर्रम? लेकिन आप कैसे जानते हैं खुर्रम को? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम खुर्रम को जानते हो कि नहीं। डैडी वो मेरा दोस्त है, मलेशिया में मेरी उससे मुलाकात हुई थी, बस वहीं से जानता हूँ। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या सारा जानती है खुर्रम को? जी डैडी, उसकी फ्रेंड का कज़न है। कहीं वो यहाँ पे तो नहीं आया था? हाँ आया था, अपनी और सारा की शादी के बारे में बता रहा था कि सारा उसकी बीवी है। सारा की उससे शादी? अरे नहीं डैडी, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। हाँ उसने सारा से शादी का वादा ज़रूर किया था, लेकिन उसने शादी नहीं की डैडी। उसने शादी का बहाना करके उसे घर से भगाया था, बहुत बुरा सलूक किया था उसके साथ। देखिए डैडी आप उसकी बातों में मत आइएगा। देखिए डैडी वो ब्लैकमेलर है,
हमें ब्लैकमेल करके वो पैसा बटोरना चाहता है। देखिए रेडी, आप उसकी बातों पर यकीन मत करिए और ना ही आपको उससे बात करने की कोई ज़रूरत है। मैं उसे खुद निपट लूँगा और आपके सामने ला के खड़ा करूँगा कि उसने ये सब झूठ बोला है। ठीक तो है ना? जी बॉस, बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े साहब ने जिस अस्पताल में दाखिल कराया था, बड़ा अच्छा इलाज किया मेरा। चलो ये तो अच्छी बात है, नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मगर बॉस, मैंने कसम खा ली है बुरे कामों से। तो मैं कौन सा तुझसे बुरा काम करवा रहा हूँ, नेकी का काम करवा रहा हूँ। और ये बात तू भी अच्छी तरीके से जानता है कि मैंने गलत कामों से तौबा कर ली है। देख, शादी हो गई है मेरी, सारा को मैं दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन एक बदबख्त सारा की खुशियाँ छीनने में तुला हुआ है। कौन? खुर्रम। खुर्रम वो मलेशिया वाला? हाँ यार, वही। सारा की सारी जिंदगी में आग लगाने में उसी का हाथ है। जब वो अपनी जिंदगी में सेटल होने जा रही है तो फिर से आगे आग लगाने के लिए कहता है कि सारा मेरी बेबी है और जब तक मैं उसे तलाक नहीं दूंगा कोई उससे शादी नहीं कर सकता। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब झूठ है और अब तू उसके ऊपर अपना हथियार चलाएगा ताकि वो सबके सामने अपने झूठ का इकरार करे और सारा से माफ़ी मांगे। ठीक है बॉस, हो जाएगा। ये तो वैसे ही नेकी का काम है और मुझे सारा बीबी का कर्ज उतारने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है बॉस, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं तो चाहती थी कि कुछ दिन वहाँ और रुकती, लेकिन आप लोगों की याद सताने लगी। मैंने सोचा कि अभी वापस चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर उम्रे पर चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है भाभी। मैं तो खुद ये सोच रही थी कि हज नहीं तो कम से कम उम्रा तो मैं जरूर कर लूँ इंशाल्लाह। क्यों आसिफ? क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे। वैसे ही भाभी, हम सारे फराइज से सबकदोश तो हो चुके हैं। माशाल्लाह, वो सारा कैसी है? माशाल्लाह, अपने घर में बहुत खुश है। शाम को आपसे मिलने के लिए आएगी, अरसलान का फोन आया था। अच्छा। भाभी बताना भूल गया आपको, उसका वीजा लग गया है, दो दिन बाद खैर उसकी फ्लाइट है। माशाल्लाह। नमान आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नायला, अब नौफिल के लिए भी लड़की ढूंढो। नौफिल के लिए लड़की आप ढूंढेंगी भाभी, क्योंकि अब मोमानी की जगह आप ही तो हैं। जरूर। मासूमा, खाना नहीं खिलवाओगी? हाँ, बल्कि आज तो चची जान ने अपने हाथों से खाना बनाया तो। अरे चलें, खाना लगा देते हैं। चलें जी, चलते हैं। आई आई चल आई भाभी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा नौफिल कि तुम वाजिद अली शाह और सफिया वाजिद के पोते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे दादा जान का खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि वो किसी का बसा बसाया घर ऐसे उजाड़ दे, और वो भी इतने घटिया अंदाज में। पता नहीं तुम क्या कहे जा रही हो। नौफिल, तुम्हें पता है क्या, मुझे आज तुमसे नफरत भी नहीं हो रही क्योंकि तुम अब मेरी नफरत के काबिल भी नहीं रहे हो।
रही है कि तुम्हें अपनी उस दादी जान की परवाह भी नहीं जो तुम पे जान छिड़कती थी, तुमसे अपनी हर बात करती थी, हमारे मामलात शेयर करती थी। और आज तो दादी जान की रूह बहुत बेचैन होगी क्योंकि उनके चहीते पोते ने उनके चहीते बेटे वक्कार की बेटी पर कीचड़ उछाला और उसके शौहर की नजरों में उसको गिराया, घटिया चाले चलने की कोशिश की। प्लीज फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ, क्या उनफॉल बके जा रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे पे इल्जामात पे इल्जामात लगा रही हो? इल्जामात नहीं, खुशखबरी सुना रही हूँ कि तुमने जो मेरी तस्वीरें एडिट कर कर समीर को भेजी थी वो समीर ने देख ली हैं और बहुत जल्द समीर मुझे तलाक देने वाले हैं। मगर अफसोस की बात तो ये है कि तुमने जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया था ना, तुम्हें भी कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि तुम पहले मेरे दिल से उतरे थे और अब मेरी नजरों से गिर गए हो। मम्मी हेलो, किन पिक्चर्स की बात कर रही है? मैंने तो कोई पिक्चर्स भी एडिट नहीं की। अंकल आपको पता है ताईजान बता रही थी कि इस बार उनकी पूरी फैमिली उमरा पे जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह हम लोग भी जाएंगे, बजरा तुम लोगों का इलाज मुकम्मल हो जाए। मेरी तो कब से ख्वाहिश है मगर पता नहीं अल्लाह के घर से बुलावा क्यों नहीं आता। मामा बहुत जल्द आ जाएगा, आप फिक्र मत करें। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह हम लोग जरूर जाएंगे और भी बहुत सारी जगह का प्लान है मेरा। बजरा आ गया सेठ साहब। हां भाई बता सेठ साहब को क्या रिश्ता है तेरा सारा बीबी से। तुम अंकल मैंने आपसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। क्या झूठ बोला था तुमने मुझसे? मेरा मतलब है कि सारा से मेरी शादी हुई थी लेकिन वो खबरदार। आगे एक लफ्ज ना कह दे, समझे? अंकल मैं कहना चाह रहा था कि सारा से मेरी कभी शादी नहीं हुई। तुम ये किसी के दबाव में आके तो नहीं कह रहे हो? नहीं अंकल, बल्कि जिंदगी में पहली बार सच बोल रहा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, बल्कि मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ठीक है जाओ यहां से। आजा। जी बॉस। ये कुछ पैसे ऐसे दे देना, पूरे 50,000 है। बेचारे की बहुत बुरी हालत हो गई। चल भाई। बेटा परेशान नहीं होना, हम हैं। सब ठीक है ना? चलो चाय पियो, ठंडी हो रही। समीर साहब आज मैं आपकी तमाम गलत फहमियां दूर करना चाहता हूं और मैं जो कुछ भी कहूंगा वो
खुदा को हाजिर नाजिर रख के सच बोलूंगा। देखो मुझे इस वक्त सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, तुम मोमिना को पसंद करते हो? मेरे नजदीक इस वक्त सिर्फ मोमिना की खुशी है। देखो उसने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी है, मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। उसकी तमाम खुशियां आपसे वाबस्ता हैं। हाँ ये बात सच है कि मैं उसे पसंद करता था और करता भी हूं, लेकिन उसने कभी मुझसे कोई वादा नहीं किया। कजन होने के बावजूद हम बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। यहां तक कहा कि उसकी जिंदगी का फैसला भी उसके बुजुर्ग करेंगे, और साथ उसने ये भी कहा कि फिलहाल ये बात करना मुनासिब नहीं है। तो फिर ये क्या है, तुम्हारी कॉल्स, उसके मैसेजेस, तुम दोनों की तस्वीरें? हाँ ये बात सच है कि मैंने आज तक उसे कोई मैसेज या कॉल नहीं की, और जहां तक पिक्चर्स की बात है वो सिर्फ फैमिली गैदरिंग की पिक्चर्स थी जो कि किसी ने एडिट करके आप तक पहुंचाई थी। किसने? नताशा ने। क्या? मैं सच कह रहा हूं, नताशा से मेरी मुलाकात इत्तफाकन हुई थी। हेलो नताशा, आई एम गुड, तुम सुनाओ? गुड। जिसके लिए लाए उसको दे तो दो। हाँ वेट, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद आए थे। ओके एज यू विश। इतना लेट क्यों कर दिया आने में? बस थोड़ा सा बिजी था। इसे यहाँ किसने बुलाया है? तुम इसे जानती हो क्या बेटा? जी, ये मेरा फर्स्ट कजन है। फ्रेंड्स, आज ये महफिल जिस मकसद के लिए सजाई गई है उसका क्लाइमेक्स मैं खत्म करने वाला हूँ। आज मैं अपनी वाइफ को एक खूबसूरत तोहफा देना चाहता हूं। ये क्या तमाशा है? ये कोई तमाशा नहीं है मॉम। मोमिना प्लीज इसे खोल के पढ़, ये तलाक नामा है। समीर, आपको तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मैं अकेले में पढ़ लेती। प्लीज आप इसे खोलें तो, और जोर से पढ़िए। मैं नताशा वल्द वाहिद हुसैन बकायमी होशो आवास अपनी मर्जी और खुशी से समीर खान वल्द कबीर खान से खुला लेती हूँ। तो ये था वो तोहफा जो मैं अपनी डियरेस्ट वाइफ मोमिना समीर खान को देना चाहता था। क्योंकि ये फाइल एक अरसे से हमारे दरमियान दीवार बनी हुई थी। ये फाइल आप अपने मुबारक हाथों से मिस नताशा को दे दीजिए और उनसे कह दीजिए कि मैंने उन्हें तलाक दी
तलाक दी।